दोस्तों प्रेम बरूल क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं प्रेम सर। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। दोस्तों तुम आजकल की जितनी भी एग्जाम होती है, जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एनडीपीसी हुआ, पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, मतलब ये प्रत्येक सिलेबस के अंदर दिया होता है। तो देखते हैं अब कि अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है कि दो चीजों की तुलना करना। जैसे कि आपको बताते हैं, अपन को दे देता है वो कि ए अनुपात बी, एक अनुपात पांच है, ए का मान एक हो गया, बी का मान पांच हो गया। दोस्तों तो अब बोलता है कि अपन इससे दो से गुना करें, अपन इसको दो से गुना करते हैं, तो दो से एक को दो से गुना किया तो ये हो गया दो और ये हो गया दस। फिर अपन इसको काटेंगे तो वही एक अनुपात दो आ जाए, एक अनुपात पांच आ जाएगा। तो मतलब बात तो वही हुई, अपन को तीन से गुना कर देते, तीन से गुना किया, तीन गुना एक क्या तीन हो गया और ये क्या तो पंद्रह हो गया। दोस्तों मतलब बात वो निकल के आ रही है कि कितने से भी गुना करो लेकिन इसको जो रेशो आया इसको छोटा छोटा करेंगे तो वो एक अनुपात पांच में ये आ जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं, इसी प्रकार हमको आ जाता है कि एक अनुपात बी, अनुपात समानुपात सी, अनुपात डी, इस प्रकार से आपके पास में आ गया। तो मतलब इसमें क्या है कि ये होती ना अंदर की, ये मध्य पद होते और ये बाहर के होते, वो होते बाह्य पद और ये अंदर। तो अपन कह सकते बाह्य पद, बाह्य पद पदों का गुणनखंड या गुणनफल बराबर कह सकते हैं, मतलब यहां बराबर ये यहां लिख दिया मध्य पदों का गुणनखंड, मध्य पदों का गुणन। तो अब इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बाह्य पद मतलब ए और डी बराबर बी और सी, इस प्रकार से मतलब जो अपन ने लिखा वो शब्दों का रूप दे दिया गया अपन ने, ए और डी बराबर बी और सी होता है। अब इसमें क्या है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन पूछता, अपन से पूछ ले इसमें मध्य पद कौन सा है। तो मध्य पद प्रथम पद अपन देखते हैं, प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद ए, ए प्रथम पद गुणा बी और सी बटे डी, ये हो गया अपना प्रथम पद। तो इसको लिख सकते हैं अपन प्रथम पद, इस प्रकार से अपन को आगे बढ़ना है। दोस्तों अब अपन से पूछ सकते हैं द्वितीय पद बताइए, तृतीय पद बताइए, तो देखते हैं। अब इसमें द्वितीय पद पूछता अपन द्वितीय पद, तो वो द्वितीय होता है बी बराबर हो गया अपना ए इंटू डी बटे सी, ये अपन क्या हो गया द्वितीय पद। तो इसको अपन नाम दे सकते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद इसको नाम देते थे। अब पूछ लेता है चतुर्थ पद, मतलब ऐसे पूछ सकता अपन से चतुर्थ पद क्या होता है, तो देखते हैं अपन कि चतुर्थ पद में क्या होता है कि अपन से पूछे चतुर्थ पद, चतुर्थ पद डी, डी बराबर क्या होता है अपन ने नहीं निकालना, तो बी सी गुणा बी इंटू सी बटे ए, ये कौन सा चतुर्थ पद।
पवन को पूछ लेता है कि मध्य पद याद कीजिए, तो मध्य पद में याद क्या करना, बी और सी तो है, तो बी सी मतलब ए मान रखा अपन ने, तो मध्य पद निकल जाता है। तो इस प्रकार से अपन और देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। देखते हैं कि जो अपन को दे रखा होता है कि अनुपात और समानुपात, अब इसमें क्या है कि ये भी हो सकता है कि विलंब अनुपात बताइए। जैसे कि अपन को क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं अपन कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर क्या होता है, तो अपन से पूछा ए अनुपात बी बराबर क्या होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ए अनुपात बी को मान देते अपन को अनुपात और एक दे दिया बी अनुपात, ये भी चल नहीं रहा, दूसरा पेन लेते हैं। देखते अब तो ये अनुपात इसको मिटा सा अपन को दे देता है ए अनुपात बी दीदी अपन को 5:4, बी अनुपात सी अपन को दे देता है 2:3। तो अब इस पर में मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, अब क्या पूछेगा अपन कि ए और बी का अनुपात बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता अपन से ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब चलो इसको यहां से मिटाए, यहां लिखा नहीं आ रहा अभी, अपन से पूछ सकता ए अनुपात बी अनुपात का मान बताइए, दूसरा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात याद करिए हम। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखो कि ये मान दे रखा है अपन को, तो इसको क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से लिखेंगे अपन इसको। तो फिर अपन को ए का अनुपात दे रखा है 5 और बी का दे रखा है 4:4, अपन यहां 2:3 करते हैं। इस प्रकार से किया तो अपन ने यहां पे 2 आ गया और यहां पे 4 आ गया दोस्तों। इस प्रकार आने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 10:8:12 आ गया। अब जो अपन ये अनुपात आया इसको अपन छोटा कर सकते हैं, 2 का भाग दिया अपन ने, 2 का भाग दिया तो 5, ये दिया तो 4 और ये दिया तो 6, मतलब रेशो क्या निकल गया 5:4:6 आ गया। तो अब अपन से यहां क्या पूछा था ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात है 5:4, गौर करने की बात है ये अनुपात क्वेश्चन में दे रखा था अपन को, और तीनों का अनुपात आया था 5:5:6:4 आ गया। इस प्रकार से अपन जो आया है पांच चार और छह ये निकलता है। अब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, देखो कि अपन से पूछ सकता है वो कि जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आर एस अग्रवाल वाली बुक पढ़ाएंगे, जैसे कि हम बताते हैं आपको ये वाली, ये मोटी वाली बुक है, ये बुक की आपको पढ़ाई जाएगी, जो भी प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उदाहरण से लेके लास्ट तक दोस्तों, जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सब करा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक
बेसिक तरीका से कराया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको करा दी जाएगा चाहे जैसे, नहीं, बेसिक और एकदम स्लो। अपना बैच जो स्टार्ट किया अपन ने वो स्लो, जो भी मतलब जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी अपने साथ पढ़ेगा तो वो भी आराम से जगह निकाल सकता है, सीट को निकाल सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट में क्या दे रहा है कि ए अनुपात बी, इसको मिटा देते हैं जब तक। उदाहरण नंबर फर्स्ट में दे रखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे रखा अपन को 5:9, 5:9 दे रखा है। और फिर दे रखा अपन को बी अनुपात सी जो दे रखा है 6:11 दोस्तों। अब अपन से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि ए और सी का, ए सी का अनुपात बताइए। दूसरा क्वेश्चन कि ए बी सी तीनों का मान याद कीजिए, अनुपात ए बी अनुपात सी, तीनों को रेशो अपन को याद करना है जो अपन जमा रहे उस हिसाब से। देखते ए अनुपात बी अनुपात सी तो 5:9 और ये 6:11, तो इसको ऐसे किया अपन तो देख के इसको 6 यहां पर लिखा ये 9 ना रखा। ये क्या अपन 6 × 5 किया, 5 × 6 किया तो 6×5=30 अनुपात, 9×6=54 अनुपात, और 9×11 किया तो अपन आ गए 99। अपन के पास जो ये रेशो निकला है इसको अपन छोटा रूप भी कर सकते हैं, जैसे कि अपन 3-3 का भाग देते हैं तो ये हो गया 10 या 18 और ये हो गया 33 तो अब अपन से यहां जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देते हैं कि ए और सी का अनुपात, ए का है 10 सी का है 33 तो अपन लिख सकते हैं यहां कि 10:33 और जो ये भी रखा है एबीसी का, एबीसी का ये अनुपात है यहां पे, तो अपन को एक अच्छे लेवल से लेके चलना था। इस प्रकार से अपन देखते ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात है, ए और बी का अनुपात दे रखा हमको, ए का अनुपात और बी का अनुपात दे रखा अपन को 5:7। देखिए दोस्तों तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन दे रखा अपन को 0.75 अनुपात x अनुपात 5:8। तो इसमें क्या पूछा अपन को, x का मान याद कर। तो देखते किस प्रकार से करते, अपन ने बताया कि यहां पे एक बताया आपको a अनुपात
बी अनुपात, सम अनुपात, सी अनुपात, डी। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उसमें अपन द्वितीय पद भी निकाला, तृतीय पद भी निकाला, चतुर्थ पद भी निकाला, तो इस मानदंड संबंध में ये वाला पूछा है, तो ये कौन सा पद हो गया, द्वितीय पद। तो अपन द्वितीय पद निकालना है, तो कैसे निकालते देखते हैं। इसमें हो रहा है कि x का मान याद कीजिए, अब अपन x का मान कैसे निकालते हैं, कि भारी गुणा भारी है और मध्य, तो देखते x गुना पांच के अपन बराबर 0.75 इंटू 8। अभी 0.75 है तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, नीचे 75 को हटाने, 0 को हटाने के लिए अपन 100 लगा देते। 100 क्यों लगाया, क्योंकि 0 के बाद 2 पॉइंट है, पॉइंट के 0 पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए। और अब इसको काट भी सकते, अगले स्टेप अपने पास जो निकल के आएगी वो आएगी 75 × 8/100 गुना ये 5 पता चल जाएगा या। अब इसको काट देते हैं, 25 का दिया तो 4 बार और 25 का दिया तो 3 बार, इसको अपन ने काटा 2 बार, काटा 25 का 4 बार और 4 को इसको काटा 2 बार, तो ये ऊपर गुणा किया तो निकल गया है x बराबर, ये गुणा किया 3 गुणा 2 किया तो 6/5। तो x बराबर क्या है अपन 6/5, और 6/5 को अपन लिख सकते हैं अब कि देश में दे रखा है अपन को 6/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो पूर्व पूर्व भाग चल जाएगा, बचा एक, एक में जीरो लाया और दो का, तो 1.2 ये अपना x का मान है, x बराबर 1.2 आंसर है। तो और भी अच्छे स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, तो देखते हैं ये हो गया अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते अपन, कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 × 9/12 का चतुष्पद क्या होगा। एक मिनट और, इस सफाई से नहीं पा रहा है, अभी टेस्टर नहीं वाला को, इसलिए अपन काम चला रहे थोड़ा ऐसे ही। तो दे रखा अपन को अगला क्वेश्चन कि 5 × 9/12 का चतुष्पाद, 5 × 9/12 का चतुष्पाद, चतुष्पाद क्या है, ये दे रखा अपन। तो इसको अपन चतुर्थ अनुपात बताया कि इसको पहले कैसे लिखते हैं, चतुर्थ मतलब ए भी अपन को बताया था, देखते 5 × 9 समानुपात 12 x, x क्यों लिखा है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं तो अपन चौथा लिखाएंगा, तो इसलिए अपन x को लिखा। अब देखते मैंने बोला कि बाह्य पद और मध्य, तो x निकालना है तो अपन को 9 × 12 × 5 ये लिखा। अब 12 गुणा अपन ने 9 किया तो कितना होता, 12 इतनी 9 बार बोलो कि इससे ज्यादा नहीं होता,
12 अंटे 108 बटे 5, अपन ने इसमें भाग दिया, 5 कर दिया 2 बार, 8 एक बार, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 30 हो गया, 6 का भाग गया, तो क्या निकल गया, एक्स बराबर निकल गया है अपना 21.6। ये कौन सा पद है? चतुष्पद छेद। तो देखो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक हो जाती है कभी, तो ऐसे मत समझो कि भाई ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्वेश्चन हुआ है, हम इसको मिटाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 18 और 24 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात या अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होगा, क्या है? तो देखते अपन कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपात मैंने बताया कि जो सेकंड स्ट्रिंग होती है उसको दो बार रिपीट करना होता है, 18 अनुपात 24 अनुपात, 24 अनुपात एक्स। अब यहां पर एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अपन को एक्स निकालना, इसमें पूछ रहा है कि तृतीय पद का अनुपात क्या होगा, तो अपन तृतीय पद ही तो लिखाएंगे, तो लिखते हैं एक्स बराबर हो गया 24 गुना 24 बटे 18। अब इसको अपन करते हैं कि 6 से इसको काटा तो 3 बार गया, और 6 को इसको काटा तो 4 बार, इसको इससे काटा तो ये 8 बार गया, क्योंकि 8 थे 24 होता है, उसके बाद में अपन ने 8 गुणा 4 गुणा 8 किया तो 8 चौकू 32। अब दोस्तों जो अपन के निकल गया है वो तृतीय पर, वो अपन के पास 64 32 निकल गया है, तो ये क्या है, तृतीय पर है, ये अपना आंसर। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 675 का ए और बी का अनुपात अपन को दे रखा है, 675 रुपए का ए वह बी का अनुपात, कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो को डाटा है, अब देखते हैं कि ए और बी का अनुपात दे रखा अपन को 4:5:5 में विभक्त किया है, कीजिए विभक्त कीजिए। तो देखते हैं अपन, इसका मतलब यह है कि 675 ईबी में बांटू 4, तो अपने पास टोटल हो गया ए अनुपात 4:5:5, तो ये टोटल है 9, और जो 9 बराबर दे रखा अपन 675, तो एक का मान क्या होगा, 675 में अपन ने
मोह का भाव दिया तो निकल के आएगा अपने पास में एक का वहां निकल गया, नौ का दिया नौ गुणा किया सात आ गया, नौ सात तिरसठ तो चार से इस बच गया, ये पांच आ गया, नौ पंजे पैंतालीस, मतलब एक का जो मान निकल गया वो पिछहत्तर। अब इसको एक का मान पिछहत्तर है तो इसको पांच से गुणा किया, पिछहत्तर गुणा किया, जो पिछहत्तर गुणा किया तो पांच गुणा पांच किया तो पच्चीस का पांच का दो यहां से सात पांच पैंतीस, पैंतीस और दो सैंतीस, इसको भी अपन ने पिछहत्तर से गुणा किया। अब इसको पिछहत्तर सुने पांच चौका बीस तीन सौ, तो टोटल मिलाकर छह सौ पिछहत्तर हो गई। तो ए का हिस्सा तीन सौ पिछहत्तर था और बी का हिस्सा तीन सौ था। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नौ सौ बावन रुपये को ए और बी सी में नौ सौ बावन रुपये को ए बी व सी, ए बी सी में सैंतीस अनुपात अठारह अनुपात तेरह के लिए तो मतलब कि जो पहला वाला क्वेश्चन किया वो ही क्वेश्चन है कि अपन एक का मान निकालेंगे, अपन को दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी सैंतीस अठारह तेरह, इनका टोटल योग किया सैंतीस अठारह अड़सठ वो तेरह, तो इनका टोटल योग निकल के आया वो अड़सठ निकल गया, और जो अड़सठ योग निकल के आया तो उसको ये मान दे रखा है छह सौ वो सॉरी नौ सौ बावन है जो अड़सठ के बराबर दे रखा, तो अड़सठ के बराबर दे रखा है तो देखते दोस्तों, तो अपन ए का मान निकालें सैतीस बटे अड़सठ इंटू नौ सौ बावन, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब जो लिखा है अपन ने इसको काटते हैं यहां से, अब देखो अगला ये क्वेश्चन इतना अच्छा है स्टैंडर्ड लेवल का है कि अपन इसको अब ने कम भी कर सकते थे, इसको काटा जो डायरेक्ट मुझे याद है इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना होगा पांच सौ अठारह, पांच सौ अठारह ये पांच सौ अठारह होगा, फिर बी का मान फिर सी का मान, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। यहाँ आप निकाल लो, अच्छा क्वेश्चन है, देखते और आ अब आपको आज क्लास यहीं समाप्त करते, एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको जिससे कि आप अच्छी तरीके से गुणा करने सीख जाएंगे। देखो किसी भी नाइन डिजिट हो नाइन नाइन एंड दो चार तीन दो, ये डिजिट में गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, ये वाला डिजिट इसको एक कम करना, ऑन को एक कम करना, उसके बाद ऐसे कैसे चार तीन एक लेगा। अब अगला क्या होगा कि नौ में से चार गए तो पांच बचा, और फिर वो जी नौ में से तीन गया तो छह बचा, और नौ में से एक गया तो आठ बचा, ये अपना आंसर निकल, किसी भी प्रकार की कोई डिजिट हो, लेकिन शर्त यह है कि इसमें
तीन डिजिट अगर है तो तीन इधर होगा, नाइन डिजिट अदरवाइज जैसे कि आईफोन नाइन 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 नाइन, इसको ओपन करते हैं। ये पांच में लिखा हुआ है, तो यहां भी ये भी पांच में लिखा हुआ है, एक दो तीन चार और छह। तो अपन को कुछ नहीं करना होता है इसमें, जो लिखा है उसमें से एक कम करना, दो तीन चार पांच, एक कम करना है पांच। अगर नौ में से दो गया तो सात बच गया, नौ में से तीन गया तो छह बच गया, नौ में से चार गया तो पांच बच गया, नौ में से पांच गया तो चार बच गया, और नौ में से पांच गया चार बच गया। ये इसकी गुना तो मोबाइल से कर लूँ, जो मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है उससे करेंगे फिर भी यही सिंक आएगा अपने पास। तो दोगे दोगे अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।